दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोज रोड बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बारे में, यानी कि जो गांव की रोडें होती हैं उनके जो रोड जो है उनसे कितनी दूरी पर आपको मकान निर्माण करना है, कितने फुट या कितने मीटर आपको जगह छोड़नी पड़ेगी जिससे आपका मकान न टूटे। ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तीनों कैटेगरी में हम आपको बताएंगे। ये शहर का अलग है, रिवन डेवलपमेंट एरिया अर्बन एरियाज का अलग है, सब कुछ आपको हिंदी में भी समझाएंगे। और यदि आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो गाँव रोड जो होती हैं उन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इन ओपन एरियाज जो मान लीजिए शहर से बाहर है, ठीक है, रिवन डेवलपमेंट एरिया जो बस्ती में है, अर्बन एरिया जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले शहर में गाँव हैं, ठीक है, तीन कैटेगरी में। अब जैसे मान लीजिए आपका शहर से बाहर या मान लीजिए शहर से दूर आपका ग्रामीण रोड है और वहाँ आप बिल्ड वो मकान बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग लाइन है। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में बिल्डिंग लाइन क्या है, 12 मीटर। यदि आप घर बनवाना चाह रहे हैं तो 12 मीटर छोड़ के आप बनवाइए, उस सड़क से 12 मीटर छोड़ के आप जो है वो बनवाइए अपना घर, ठीक है। अगर यही कंट्रोल लाइन की बात करें तो कंट्रोल लाइन है 18 मीटर। कंट्रोल लाइन में आता है जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई सिनेमा हॉल बनवा रहे हैं तो आपको जो विलेज रोड है जो है उससे 18 मीटर छोड़ के बनवाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि भाई जब आप होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह बनवाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे तो इसलिए आपको ज़्यादा जगह छोड़नी है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन एरियाज जो बाहरी इलाके, ठीक है। अब हो गया रिवन डेवलपमेंट एरिया, जहाँ पे बस्ती वाले एरिया है वहाँ पे बिल्डिंग लाइन है 6 मीटर। यानी बस्ती वाले एरियों में आपका मान लीजिए गाँव में बस्ती वाला एरिया है वहाँ पे आपको 6 मीटर रोड से हट के बनवाना है मकान। और यही आप सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट वगैरह कुछ बनवा रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह, तो वहाँ पे आपको 9 मीटर छोड़ना है, ठीक है। जो रोड जो है उससे 9 मीटर छोड़ के ही आपको जो भी बना रहे हैं वो निर्माण करना पड़ेगा। अब बात आती है भाई अर्बन एरियाज की। अर्बन एरियाज वो एरियाज होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र, ठीक है। तो उनमें यदि मान लीजिए कोई विलेज रोड है तो वहाँ पे अर्बन एरियाज में आपको रोड से 9 मीटर छोड़ के आपको अपना घर बनाना है। और यदि मान लीजिए ये बिल्डिंग लाइन की बात हो गई 9 मीटर जब आप घर बनवा रहे हैं अपना पर्सनली, यदि कंट्रोल लाइन की बात करें यानी कि यदि आप कोई फैक्ट्री है, कोई स्कूल कॉलेज या मान लीजिए डिग्री कॉलेज सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं तो आपको उसी रोड से 15 मीटर छोड़ के आपको बनवाना है। ये देखिए जो कंट्रोल लाइन जो है जब आप सिनेमा हॉल ये होटल वगैरह जब आप बनवाते हैं तो यहाँ पे भाई लोग बाग ज़्यादा आते हैं, पार्किंग भी चाहिए, गाड़ी भी ज़्यादा खड़ी होती, तो ऐसे में आपको जो रोड साइड जो है वो अधिक छोड़नी होती है। तो इस कैटेगरी से आप छोड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो है नेट द्वारा और किताबों द्वारा दी गई जानकारी है, जरूरी नहीं कि जानकारी पूर्णतः सही हो, इसलिए आप अपने अनुसार भी लेखपाल जो है शहर के लेखपाल उनके द्वारा भी आप पता करके अपने मकान का निर्माण करें। धन्यवाद।